रात में जब हम लोग आ रहे थे वहाँ से टावर से, रात का टाइम था, 12 साढ़े 12, लेट हो गया था थोड़ा। तो वहाँ से आने के बाद जब हम लोग गोमती नगर विस्तार में गए, घर आ रहे थे, तो सामने से बाइक आती है, दो पुलिस वाले रहते हैं उसमें, एक के पास पीछे वाले के पास लाठी रहती है, आगे के पास पिस्तौल रहती है। आगे से आते हैं, हर मीडिया में दिखा रहा है किनारे से आ रहे हैं, साइड से आ रहे हैं, नहीं सामने से आते हैं, और आते रॉन्ग साइड आते हैं वो, हम लोग मेन रोड पे चल रहे हैं, वो रॉन्ग साइड आ रहे हैं, और आते साथ ही दूर से ही बहुत तेज़ चिल्लाने लगते हैं, जैसे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या चीज़ें हो रही हैं। गाड़ी चल रही थी और वहीं से चिल्लाते चिल्लाते उन लोग थोड़ा और पास में आए, तब तक पीछे वाला उतर गया, और जो आगे वाला था उसने स्टैंड पे मतलब बाइक जो है खड़ा करके थोड़ा सा साइड हट गया। सर ने रोका नहीं, रोकना सही नहीं समझा उन्होंने, क्योंकि रात का वक्त था, लड़की हूँ नहीं उन, अब गाड़ी वो चला रहे थे, स्टीयरिंग था उनके हाथ में, वो क्या सोचे, उन्होंने नहीं रोका, आगे बढ़ाया उन्होंने, आगे वाला जो टायर था बाइक का वो एक बार आया, दो बार आया, और तीसरी बार में उन्होंने बंदूक निकाली और गोली मार दी, के यहाँ पर लगी थी, चिन पर लगी थी गोली, गोली चिन पर लगी थी, और वहीं से बहुत तेज़ खून बह रहा था, बहुत तेज़ खून बह रहा था। साइड से निकाल लिया उन्होंने बाइक, गाड़ी साइड से करके निकाली, वो सामने लोग सामने थे, ऐसा नहीं कि उनके ऊपर चढ़ा दी जा रही है, नहीं साइड से निकाली गई, गोली लगने की गोली स्थिति में लगने भी। के बाद भी, हाँ गोली लगने के बाद भी थोड़ा दूर जब तक कॉन्शियस थे तब तक उन्होंने थोड़ा दूर तक चलाया, उसके बाद में फिर गाड़ी लड़ गई। हम लोग ये नहीं कि बहुत तेज़ चल रहे हों या बिल्कुल रुकी हुई थी, नहीं नॉर्मल स्पीड में थे, वो आके रॉन्ग साइड से आके क्या देखा उन्होंने, क्या बोला पता नहीं, क्या सोचा उन्होंने नहीं पता, कैसे वहां से फिर बट निकले? अगर गोली मारा था तो एक बार पीछे से पीछे आना चाहिए था कि भाई देखे क्या है क्या नहीं है, नहीं आया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि गोली मारा है और गोली लग गया है और हमने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, ये अंदाजा था उनको। बिल्कुल अंदाजा था, तभी उन्होंने अपनी पूरी फोर्स भेजी, वो खुद नहीं आए, अच्छा वो दो नहीं आए, उन्होंने पूरी फोर्स भेजी। जब पुलिस फोर्स आई तो उनकी जीप पे बैठ के फिर हम लोग आए, एम्बुलेंस बुलाई जा रही थी लोहिया से, बट एम्बुलेंस बहुत देर लग रहा था आने में, इसलिए मैंने बोला कि हम टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करना है, जीप में ही विवेक को सर को अंदर करिए रखिए और जीप से ही जाएंगे। तो फिर वहाँ से हम लोग लोहिया आए। आखिरी सवाल, आप किस अब क्या चाहती हैं इस पूरे मामले में? मैं सज़ा सज़ा दिलवाना चाहती हूँ जिसने इतना बड़ा अपराध किया है, बिना कुछ कहे बिना कुछ करे, बिना वार्निंग दिए आपने किसी मासूम की जान ले ली है, गलत किया है। उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप YouTube पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook पर लाइक भी कर सकते हैं और Twitter पर फॉलो भी।